आखिर क्यों लाखों रुपए देने के बाद भी इन फायर फाइटर्स ने इस घर की आग को नहीं बुझाया, और कैसे देखते ही देखते ये आदमी एक रियल के एरोप्लेन को ही खा गया। जानेंगे कुछ ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5, ये खबर सुन के आप हैरान हो जाओगे। यूएस के एक स्टेट टेनेसी के अंदर, जहाँ पे फायर फाइटर्स वाली जो कंपनी होती है वो मंथली एक सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करती है, यानी इमरजेंसी के समय ये आपके काम तो आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको $75 यानी कि लगभग ₹4,000 महीना इनको देना होता है। एक बार क्या हुआ, एक फैमिली ने ये सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं की और उन्हीं के घर में आग लग गई। फायर फाइटर्स वाले तुरंत पहुंच भी गए और उन्होंने सब्सक्रिप्शन वाउचर दिखाने के लिए बोला। अब इन्होंने तो फी पे की नहीं थी, तो क्या आपको यकीन होगा, सिर्फ इसी बात के चलते फायर फाइटर्स ने इस घर की आग को नहीं बुझाया। और जब घर आग से जल रहा था तो फैमिली के हर एक मेंबर ने रिक्वेस्ट की कि आप 1 लाख 2 लाख जितने रुपए लेने हैं ले लो, लेकिन हमारे घर को बचा लो। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इनकी एक नहीं सुनी और एक ही रिप्लाई किया कि आपने टाइम से सब्सक्रिप्शन भी पे नहीं की थी, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। और देखते देखते इनका ये घर जल के राख हो गया, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 4, यूके की गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के मुताबिक, यदि आप खर्राटे लेके सोते हैं तो वहां की गवर्नमेंट आपको ₹60,000 पर मंथ देगी। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये खर्राटे लेकर सोने की जो प्रॉब्लम है वो स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी से होती है, और इसी बीमारी के बारे में वहां की जनता को जागरूक करने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है। फैक्ट नंबर 3, आजकल बच्चों को चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल देना एक आम बात हो गई है, लेकिन क्या हो बच्चे के हाथ में यही मोबाइल देना जब माता पिता के ऊपर भारी पड़ जाए। ऐसा ही हुआ अमेरिका के टेक्सास के अंदर, जहां पे एक बच्चे ने अपनी माँ के फोन से खेलते खेलते मैकडोनल्ड के 31 चीज बर्गर ऑर्डर कर दिए, और उसकी माँ ने बताया कि उसने ना ही केवल बर्गर मंगवाए बल्कि $16 यानी कि लगभग ₹1,200 की टिप भी दी। फैक्ट नंबर 2, कैसे ये आदमी देखते ही देखते पूरे के पूरे रियल के एरोप्लेन को ही खा गया। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सच है। और इस बंदे के नाम स्ट्रेन डाइट का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मिशेल लेटिटो नाम के इस आदमी का जन्म 1950 में फ्रांस के अंदर हुआ, और मात्र 16 साल की उम्र से ये नट बोल्ट और लोहे जैसी चीजों को खाने लग गए थे। और ऐसा ये सिर्फ इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि इन्हें एक हेडिंग डिसऑर्डर था जिसे पीका कहते हैं, और इनके शरीर में कई पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस भी थे जिनकी वजह से ये ऐसी चीजों को आसानी से पचा भी सकते थे। लेकिन इन्हीं पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जब भी ये कोई नॉर्मल खाना खाते थे तो बीमार पड़ जाते थे। ये अपने खाने के अंदर साइकिल, रबर और यहाँ तक कि टेलीविजन को भी खा जाते थे। फिर एक दिन इनके हाथ में लग गया एरोप्लेन, फिर होना क्या था, उसी को भी खा गए, लेकिन उसको खाने के लिए इनको 2 साल का वक्त लगा। फैक्ट नंबर 1, आपने नॉर्मली रेस्टोरेंट्स के अंदर इंसानों को खाना परोसते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने अपने इंडिया के अंदर किसी रोबोट को खाना परोसते हुए देखा है? तो बिल्कुल, दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर एक ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट खुला है जिसके अंदर इंसान नहीं बल्कि रोबोट खाना परोसते हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 104 के अंदर मौजूद इस अनोखे रेस्टोरेंट का नाम द येलो हाउस है, जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि रोबोट खाना परोसते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।